मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को समय की मांग बताते हुए कहा कि हमें सेकुलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। पीएम के बयान पर देश भर में सियासी चर्चा तेज हो गई है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि पीएम की मंशा है कि देश के सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार मिले। कोई एक पहिया कमजोर हो, एक पहिया मजबूत हो तो देश नहीं चलता है। तो उनकी सोच कॉमन सिविल कोड के पीछे यही है कि धीरे धीरे एक तरह का माहौल पूरे देश में बने और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास हो तो देश आगे चले। वहीं जेडीयू नेताओं का कहना है कि कॉमन सिविल कोड एक संवेदनशील विषय है, इस पर आम सहमति और व्यापक चर्चा होनी चाहिए। देश विविधताओं से भरा हुआ है, विभिन्न धार्मिक परंपराएं हैं, क्षेत्रीय भावनाएं हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यापक विमर्श जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच आम सहमति बनना चाहिए। पीएम मोदी देश के लिए सेकुलर सिविल कोड की जरूरत बताने पर आरजेडी की ओर से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने प्रतिक्रिया दी। मनोज झा ने कहा कि इसके लिए हृदय बड़ा करना होगा। भैंस मंगलसूत्र मुजरा वाली जुबान इस्लामोफोबिक कंटेंट थी, उसके साथ जब आप सेकुलर सिविल कोड की बात करते हैं ना तो थोड़ा अटपटा सा लगता है, जैसे कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। देश एक तो कानून भी एक ही होना चाहिए। बीजेपी काफी पहले से यूसीसी यानी कॉमन सिविल कोड की बात करती रही है, लेकिन जैसे ही यूसीसी की चर्चा होती है सियासी माहौल गर्मा जाता है। अब जबकि प्रधानमंत्री ने यूसीसी की जगह एससीसी यानी सेकुलर सिविल कोड की बात कही है तो एक बार फिर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चुनाव के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़े झारखंड की सियासत में बीजेपी को बांग्लादेशी घुसपैठ का एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिसको लेकर पार्टी को लगता है कि यही उसे सत्ता की सीढ़ी तक लेकर जाएगा। शायद यही वजह है कि बीजेपी किसी भी सूरत में घुसपैठ के मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं। अब इन सबके बीच राज्यपाल ने एक बयान से बीजेपी को भी चौंका दिया है। झारखंड में घुसपैठ पर बढ़ा घमासान, पहले केंद्र शासित प्रदेश की मांग, अब बांग्लास्तान की साजिश की एंट्री। बाबूलाल मरांडी के बयान पर सियासी बवाल, राज्यपाल के बयान ने सबको चौंकाया। ये भारत सरकार की चिंता का विषय है।